क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपनी सबसे ही एजुकेशन मिशन सोच लिया की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो खासकर इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आपको पता है पिछले एक हफ्ते से ही, तीन चार दिन से ही बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी और देखा जाए तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और आज सुबह का टेम्परेचर भी माइनस में था। तो हमारी टीम ने, जिसमें शहजाद नाइक साहब हैं, जायद अली साहब हैं या बाकी जितने भी लोग हैं, हमारी पूरी टीम, शाहनवाज साहब हैं, जितने भी लोग हैं, इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हमारे पास कुछ गर्म कपड़े, जिसमें स्वेटर्स थी, सॉक्स थे, टोपियां थे बच्चों की, वो सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पहुँचे। लेकिन थोड़ा सा एक ये रहता है कि ये लोग वाकई में मजबूर हैं। जैसे कल ही हमने एक फेसबुक पे भी एक वीडियो देखी थी कि कुछ बच्चे जो थे वो सोए हुए थे पानी के बीच में और एक झोंपड़ी थी उसके बीच में सोए हुए हैं। और देखा जाए दूसरी तरफ हम अपने आप को अगर कंपेयर करें तो अल्लाह माफ़ करे कि हमारा, हम जब अपने घरों में सोते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमसे नीचे भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मुझे लग रहा है कि कमरा भी नहीं मिलता सोने का। और अगर हम पुंछ के लोग जितने भी हैं, अगर 10 लोग मिलके ये ठान लें कि ये 52 झोंपड़ियाँ हैं, इसकी एक एक की जिम्मेदारी अगर 10 लोग ले सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और अपनी टीम से भी कि अगर ये 50 झोंपड़ियाँ हैं, एक एक झोंपड़ी को 10-10 लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 200-300 रुपया एक एक खाते में आता है। तो एक एक झोंपड़ी की रिस्पांसिबिलिटी ले ताकि इनका घर भी अच्छे से चल सके और जो ये विंटर्स है ये भी इनका अच्छे से निकल सके। एस के ब्रिज के नज़दीक यहाँ पे सर सैयद एजुकेशन मिशन के तहत हम आए थे और कल कुछ ही दिन पहले हमने यहाँ पे विजिट किया था और देखा था कि काफ़ी झोंपड़पट्टियाँ यहाँ पे हैं और काफ़ी मजबूर लोग हैं और मेहनती भी हैं, इनके पास साधन बिल्कुल कम है। तो हमने एक सोच के तहत यहाँ पर आए थे और हमने कुछ यहाँ पर जितना भी हमसे हो सका है डिस्ट्रीब्यूट किया और हम पूरे पुंछ से ये अपील करेंगे कि आप आएँ और खुद देखें इन लोगों को, ये बहुत मजबूर लोग हैं और वाकई इनको लगता है, क्योंकि अगर आप, हम अपने घर पे सोते हैं रात को आराम से बिस्तर में और अगर इनके साथ हम एक रात अगर कहीं हमारी इस तरह की रात गुजारनी पड़े तो हमें क़यामत याद आ जाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भी लोग आएँ, जितनी हो सके जिससे भी हो सके वो मदद करें और इन लोगों की जिंदगी ताकि थोड़ी सी आसान हो सके। शुक्रिया जनाब।